सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो नया कैरेक्टर आने वाला है जय, उसका जो पूरा एबिलिटी अगर कंफर्म हो चुका है कि कौन सा एबिलिटी या फिर स्किल उसका होने वाला है। एंड उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा क्या इस एबिलिटी को आप लोग आलोक कैरेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हो या फिर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना अगर आपको ये सब चीज़ें जानना हो तो। एंड गाइस वीडियो सच में गाइस अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखो। और गाइस अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करना। एंड अगर आप लोग ऋतिक रोशन के फैन हो तो गाइस प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो गाइस चलो यार वीडियो को हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। गाइस इसका जो स्किल है एबिलिटी है वो गाइस कंफर्म हो चुका है, वो गाइस मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ओके। तो गाइस इसमें लिखा है, अगर देख सकते हो, जेस एबिलिटी इज कॉल्ड फ्यूरियस रिचार्ज, ठीक है। तो गाइस ये जो नया कैरेक्टर आने वाला है इसका जो एबिलिटी का नाम होने वाला है फ्यूरियस रिचार्ज, एंड ही विल ऑटोमेटिकली रीलोड द ओपन व्हेनेवर मेकिंग किल्स, ठीक है। तो जब भी आप कोई किल करोगे तो गाइस जो भी ओपन से किल करोगे उसका गाइस रीलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें एमओ ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा एमओ। तो गाइस इधर जो कि है आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो गाइस इधर है टेक आउट एनिमी विथ एनी ओपन एंड योर कार्टेज विल ऑटोमेटिकली रीलोड विथ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी दैट इज एट ईच किल जे विल ऑटोमेटिकली रीलोड द वेपन बट नॉट फुल कार्टेज, दिस विल डिपेंड ऑन कैरेक्टर लेवल। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने जो मैंने आपको दिखाया, तो गाइस उसमें जो बताया गया है गाइस जब भी आप किसी जो जय कैरेक्टर है उसको यूज़ करके आप किसी भी ओपन से किल करोगे तो गाइस उसका एक परसेंटेज, ठीक है, मैंने उसका एक सर्टेन अमाउंट गाइस जो कि रिलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा उसके गन के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो गाइस अगर मान लो किसी भी गन पर 20 गोलियाँ हैं, ठीक है, तो गाइस उस गन का इस्तेमाल करके अगर आप लोग किसी एक एनिमी को किल करते हो तो गाइस उसका सर्टेन परसेंटेज, उसका जो एबिलिटी जो लेवल के हिसाब से होगा, उसे अगर 50% हुआ तो गाइस 10 गोली ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड गाइस कितना प्रतिशत होगा वो गाइस अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ये जो कैरेक्टर के लेवल के हिसाब से अगर लेवल 1 कैरेक्टर रहा पास तो शायद 10-15%, ठीक है, अगर मैक्सिमम पर जाएगा तो 40-50% एमओ रिलोड हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग शॉर्ट गन इस्तेमाल करते हो जो टू शूटर है उसमें अगर आप लोग किल करते हो तो ऑटोमेटिकली एक जो एमओ है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपको जो बहुत ही एक अच्छा मिलेगा, क्योंकि गाइस ये बहुत ही काम का चीज़ होने वाला है, क्योंकि गाइस अगर आप लोग जानते हो शॉर्ट रेंज पर जब फाइट आता है ना लास्ट जोन पर, बहुत टाइम हम लोग रीलोड करने में ही चला जाता है, रीलोड करने के टाइम हम लोग मर जाते हैं, ठीक है, एनिमी को फिनिश नहीं दे पाते। तो गाइस ये अगर आप लोग किसी को एक किल करोगे ऑटोमेटिकली अगर आपके गन पर एमओ ऐड हो जाएगा तो गाइस आप लोग जानते हो कि एक बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। जैसे MP40 ले लो, MP40 पे अगर गाइस मिनिमम किसी पे 30 जो एमओ होते हैं उसका 50% अगर गाइस रिलोड हो जाए, मतलब 10-15 पर गोली अगर उसको मिल जाए एक्स्ट्रा, तो गाइस वो एक्स्ट्रा एक बंदे या फिर दो बंदे को नॉक ले सकता है, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही काम का होने वाला है कैरेक्टर। एंड गाइस अभी हम लोग बात करते हैं ये गाइस क्या हम लोग एलोक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कौन सा देख सकते हो, जो एक्टिव होता है ना जो स्किल, देखो एक होता है पैसिव एक होता है एक्टिव, ठीक है। तो गाइस एक्टिव को कोई भी एक एक्टिव हम लोग ले सकते हैं स्किल, ठीक है। आलोक का गाइस एक्टिव स्किल है, एक्टिव स्किल वही होता है जिसको एक स्विच दबाने के बाद गाइस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आलोक का एक स्विच होता है जिसको प्रेस करने के बाद उसका जो एबिलिटी जो गाइस काम करता है, बट गाइस जो न्यू कैरेक्टर आने वाला है जय, उसका गाइस कोई भी स्विच नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस उसका जो है किसी भी ओपन से किल करो तो गाइस वो रिलोड कर देता है, तो मतलब गाइस वो एक्टिव नहीं होने वाला, ठीक है, ऑल टाइम गाइस उसका स्किल काम करता है, ठीक है। तो गाइस अगर गेम पर ऑल टाइम काम करता है जो कोई स्किल तो गाइस वो पैसिव होता है, तो पैसिव मतलब आप लोग उसको आलोक के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर गाइस ये मेरा मानना है, आप लोग गाइस क्या सोचते हो जरूर से बताना। तो गाइस अगर कैरेक्टर यूज करा जा सकता है आलोक के साथ तो गाइस बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि आलोक का कॉम्बिनेशन है उधर का जो जे का जो रिलोड का कॉम्बिनेशन है गाइस बहुत ही तगड़ा होने वाला है, खास करके जो शॉटगन यूजर है, शॉटगन यूजर के लिए जो कैरेक्टर है बहुत ही तगड़ा होने वाला है, बहुत ही तगड़ा, ठीक है। एंड जो न्यू शॉटगन का जो आएगा ना रिलोड स्पीड प्लस, तो गाइस तौबा तौबा ये गाइस बहुत ही कमाल का होने वाला है अगर जय कैरेक्टर आ गया एंड उसका जो जो पैसिव स्किल रहा आलोक के साथ अगर यूज हुआ तो खतरनाक गाइस एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग गाइस क्या सोचते हो जरूर से कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया रहो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।